नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको लगातार पर्यावरण के बारे में बताना चाहता हूं कि आए दिन खतरनाक होता जा रहा है, इसे हमें बचने की बहुत ही ज़रूरत है। तो इसे हर नागरिक को पेड़ लगाने की बहुत ज़रूरत है। वहीं पे जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार पाठक जी, संदेश। 5 जून 2018 विश्व पर्यावरण दिवस पर फैजाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार पाठक जी, एसएसपी डॉक्टर मनोज कुमार ने तहसील दिवस पर बीकापुर परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। वहीं पर एसएसपी के आदेश पर सभी जिलों में थानों में 1500 से लगभग पौधों का रोपण भी कराया गया। मैं आपको बता दूं कि यह आम का पेड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम सर्दी में रामनगर प्राइमरी पाठशाला में आए थे फैजाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार पाठक के चौपाल लगाकर गांव के लोगों से विभिन्न तरह के समस्याओं से रूबरू हुए थे। तब आम का वृक्षारोपण किया गया था। यह वीडियो उसी वक्त का है। ऐसा लगता है कि जिलाधिकारी जी वृक्षारोपण का कार्य स्वच्छता हवा स्वच्छ अभियान के पूर्ण रूप से पौधों का पर्यावरण बचाने के लिए गाँव शहर और हर जगह वचनबद्ध रहे। ये रिपोर्ट आप देखिए। आइए भाई, अपनी मिट्टी लगाइए। रमाका आपका भी नाम होगा इसमें। बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा। मैं जो आपको वीडियो दिखाया पुराना था, और वृक्षारोपण में जिलाधिकारी जी बड़े चाव से, बड़े उत्साह उमंग से बच्चियों के साथ जो है वृक्षारोपण कर रहे हैं, गांव के निवासियों के साथ वृक्षारोपण कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हवा और पानी या वृक्षारोपण का सबसे बड़ा स्वच्छता का मिशन है और इसे हम सबको करना चाहिए। उसी वक्त 5 जून 2018 यानी आज जो है गांववासी जो है इसमें बढ़ चढ़कर बड़े चाव के साथ या वृक्षारोपण कर रहे हैं, या रामनगर चौबे का पूर्वा में हो रहा है, या आज सुबह टाइम्स जो है विभिन्न तरह के लोगों को जागरूक कर रहा है कि वृक्षारोपण किया जाए, और इसमें सभी बच्चियां भी भागीदार ले रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट। या उल्टा करके और भाई दूसरा ले रहा हूं, अलग क्लिपिंग वाला लिया कर। अच्छा तो थोड़ा कीमत आए बोलिए। बाली का बड़ी बड़ा ठंडा। हां मैं रोके रहे ना, और लगा। Ah,